हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ गिरी ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफना शेख। लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा था, हमने हमारे दो 12th कॉमर्स ओसीएम के दो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। लास्ट चैप्टर था हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारा 12th कॉमर्स ओसीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले 12th का, जो थर्ड चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है? आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होगा, नहीं पता है तो लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट में क्या आता है? एंटरप्रेन्योर। तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो लास्ट क्या है? लास्ट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अभी आपका बिजनेस है, फॉर एन एग्जाम्पल आप उसके ओनर हो, मालिक हो, अपने बिजनेस के डिसीजन लेते हो, रिस्क बेयर करते हो, तो ये क्या है? यही एंटरप्रेन्योर है मेरे भाई, यही एंटरप्रेन्योर है मेरे दोस्त, यही होता है एक एंटरप्रेन्योर। मतलब कि आपका जो आपके बिजनेस के आप मालिक हो, अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपने बिजनेस के लिए रिस्क बेयर कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बहुत पैसे, तो यही होता है एक एंटरप्रेन्योर। आज हम यही देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में कि क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर, उसके क्या क्वालिटीज है, क्या फंक्शंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखने वाले हैं कुछ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किस तरह से अपने बिजनेस को, किस तरह से एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, मार्केट में किस तरह से अपने बिजनेस को एक नाम दिया जाएगा, यही है पूरा चैप्टर। सो हम देखते हैं फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स अ डेफिनेशन, एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। एक इंसान, एक व्यक्ति, एक बंदा, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है। क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस। वो इसमें इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो लॉस को भी क्या कर सकता है? फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमाना अपने को जिंदगी में, इन ऑर्डर टू मेक मनी, इसको क्या करना है? पैसे कमाने हैं। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क भी बेयर करता है ताकि वो पैसे कमा सके। सो ये जिसका हमारा डेफिनेशन था, आपके टेक्स्ट बुक में 3 डेफिनेशन है। सेकंड वन हमारा ये डेफिनेशन जो मैंने लिया है, ये बहुत इजी है। अगर आपको कुछ और डेफिनेशन प्रेफर करना तो यू कैन प्रेफर। नेक्स्ट हम अब हमारा स्टार्ट करने वाले अभी एंटरप्रेन्योर की पहले हिस्ट्री कुछ देखते हैं कि आया कहाँ से ये वर्ड, ये क्या है, किसको बोलते हैं। हमने तो अभी मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला कि ओनर को बोलते हैं, जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो डिसीजन लेता है, रिस्क बेयर करता है, हम उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बट एक्चुअली हिस्ट्री क्या कहता है इसके बारे में, हम वो देखेंगे। सो पहला हिस्ट्री में क्या बोला है कि इन द अर्ली 16th सेंचुरी द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज यूज्ड बाय द फ्रेंच मैन। किसने यूज किया? फ्रेंच मैन। मतलब कहाँ रहता होगा भाई? फ्रांस में तो रहता होगा ना। टू डिनोट मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपेडिशंस। मिलिट्री हर जगह होती है, आपको पता है। तो जो लीडर्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि वो एंटरप्रेन्योर है। कौन? जो मिलिट्री वाले होते हैं, जो मिलिट्री के लीडर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अराउंड 1700 AD द टर्म वाज यूज्ड इन फ्रांस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, हमारे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया था। फर्स्ट किसके लिए था हमारा? फर्स्ट किसके लिए था? जो हमारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लीडर्स होते हैं, मिलिट्री के जो लीडर्स होते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स। उसके बाद हमें क्या बोलता है कि 18th सेंचुरी में ये जो टर्म था, ये कब अप्लाइड हुआ, किसके लिए अप्लाइड हुआ? जो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। और ये किसने बोला? फ्रेंच इकोनॉमिक्स राइकार्ड कॉटिलियन, दैट इज कैंटिलन। इन्होंने बोला कि जो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरा चैप्टर तो हम वही देख रहे हैं भाई, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फोर्थ, इन 1848 द फेमस इकोनॉमिक्स जॉन स्टॉर्ट मिल। कौन थे भाई? हमारे जॉन स्टॉर्ट मिल। उन्होंने बोला कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो कौन है? जो प्राइवेट एंटरप्राइज जिसका होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या करता है, जिसका प्राइवेट एंटरप्राइज वो फाउंड करता है, बनाता है, स्टार्ट करता है, वो होते हैं। तो देखिए हमने ये कुछ 4 चीजें जिसमें हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? चलो, फर्स्ट हमारा मिलिट्री एक्सपेडिशन के जो लीडर्स होते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड आर्किटेक्ट्स, नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड द लास्ट वन इज हमारा प्राइवेट एंटिटीज फाउंडर को। अब स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट और डेफिनेशन, तो ऑलरेडी हमने देखा है। सो हम कंसेप्ट देख लेते क्या है। अभी ना जो हमारे डेफिनेशन है ना, कि एक्चुअली जो है ना, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया है किसका? एंटरप्रेन्योर का। ये जो एंटरप्रेन्योर का है ये कहाँ से आया? ऑलरेडी हमने हिस्ट्री में देखा ना, कहाँ से आया बोलो अब? ये आया है फ्रेंच से, मतलब फ्रांस। कौन सा वर्ड? एंटरप्रेन्योरी। इसका मतलब टू अंडरटेक। टू अंडरटेक, टू अंडरटेक का मतलब क्या? मतलब है कि कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नया चालू करना, उसको कहते हैं टू अंडरटेक। डेफिनेशन ऑलरेडी देख लिया है तो हम नहीं देखेंगे, बस रीड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेबसाइट डिक्शनरी गिव्स द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन हमें बोलता है? An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. इसलिए भाई पैसा के लिए है। चलो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करने वाला है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अभी जो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होते हैं उसमें, तो हम देख रहे हैं। फर्स्ट वन है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। अभी बिजनेस जो चला रहा है, ऐसे बिजनेस चल रहा है नहीं भाई, बिजनेस में दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, हर चीज में दिमाग की जरूरत पड़ती है। बट आपके बिजनेस को टॉप पे लाने के लिए, नाम लाने के लिए, आपका बिजनेस का नाम होना चाहिए। वो कैसे आएगा? एक इंटेलिजेंस आएगा, आपके पास दिमाग है उसी से आएगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को, स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंट होती है, इसीलिए उनका बिजनेस अच्छा चलता है, वरना नहीं चलेगा भाई। जिसके पास इंटेलिजेंट नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो हमने देखा कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती है बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट वन हमारा फ्यूचर विजन। अब हमारा जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस के जो ओनर होते हैं मतलब एंटरप्रेन्योर, उसके पास है ना, मतलब उनके पास है ना बहुत अच्छी फ्यूचर विजन होती है। मतलब वो आगे का सोच सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उनके पास बहुत अच्छा फ्यूचर विजन होता है। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब इंटरनल तो उसके कंट्रोल में है, बट एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में तो वो सोचते रहे, उसको तो सब आइडिया इंटरनल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। बट इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि उसको, उसमें क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या कर सकता है, उसमें क्या हो सकता है, वो क्या कर सकता है, वो उस बारे में वो सोच लेता है कि आगे क्या होगा बाहर। जो हमारा जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसको भी इतना थोड़ा आइडिया रहता है, वो इस चीज के बारे में सोचता है। उसके हिसाब से क्या करता है, वो टाइमली एक्शन लेता है। कुछ रिस्क आएंगे तो उसके हिसाब से वो सोचेगा कि ये रिस्क हो सकता है, तो मैं इसके लिए अभी से क्या कर सकता हूँ, प्रिपेयर रहूंगा, और जो भी नेसेसरी चीज है इस रिस्क को फेस करने के लिए मैं वो प्रिपेयर रखूंगा। तो इसके पास क्या है, अच्छा एक फ्यूचर विजन है। थर्ड वन हमारा हार्डवर्क है। अभी ऑब्वियसली इसका बिजनेस, अभी किसी का भी जो सालों से बिजनेस चलते आ रहा है, हमारे रिलायंस हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, ये ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा चल रहे भाई, बहुत मेहनत लगी है इसको खड़ा करने में, इस बिजनेस को चलाने में, मार्केट में नाम लाने के लिए। तो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत हार्डवर्किंग होता है, उसको अगर उसने स्पेशली अगर वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात उसको लगाना पड़ता है उसके बिजनेस को आगे लाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए। उस टाइम पे तो बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस में रहते हैं काम करने के लिए। तो जो मेन बॉस होता है, जो बिजनेस में रहता है, जो उस पूरे बिजनेस का मालिक होता है, वो ही सबसे ज्यादा क्या करता है, मेहनत करता है। एम्प्लॉयज आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, सैलरी मिलेगी की बात खत्म। बट ही इज द ओनली पर्सन जो बहुत ज्यादा अपने बिजनेस के लिए क्या करता है, मेहनत करता है। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज। अब उसके बिजनेस में जो चल रहा है, उसके बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी, उसका आइडिया तो उसको होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर अपने वो एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करेगा। कल को जाकर किसी एम्प्लॉयज ने बोल दिया ये हमें नहीं आ रहा, क्या नहीं, हमको आप बता सकते हैं इसको कैसे करना, क्या नहीं करना। अब जब तक उसको आइडिया नहीं होगा तो उसको कैसे बताएगा, अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करेगा। सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करना है, उनको टेक्निकल नॉलेज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से उनके मशीन्स यूज होती है, किस तरह से मशीन काम करता है, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को भी ट्रेन कर सके और जब उनको जरूरत पड़े तो वो उनको हेल्प कर सके। एंड द फोर्थ वन हमारा जो फिफ्थ वन है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल अगर हम नॉर्मल अगर ग्रुप में भी बैठे, उसमें से कोई एक अच्छा बंदा इतने अच्छे से बोलता है, यार तू तो बहुत अच्छे से बात करता है, किसी को भी पटा लेना इन द सेंस कोई भी उसकी बात मान सकता है। किसी अगर स्टूडेंट की भी कोई इतनी अच्छे से बात करता है ना टीचर से या किसी भी अपने सर लोग से, तो सामने वाले टीचर्स भी उसके बहुत सुनते हैं। बहुत कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है ना, तो किसी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है ना, तो सामने वाला इंसान इस चीज के लिए मान जाता है। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी रखनी चाहिए कि सामने वाले आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस में अगर आप उसको कुछ करना हो तो आपके बिजनेस को अप्रोच करे। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो आपके जो बाहर वाले सप्लायर्स डीलर्स होते हैं वो आपके लिए और सोचते हैं, आपके बिजनेस में काम करने के लिए भी सोचते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए कि अगर सेंडर हम जो है रिसीवर को अच्छे से मैसेज प्रॉपरली इसको समझ सके, इस तरह से हमें पोलाइटली बात करना चाहिए, इफेक्टिवली बात करना चाहिए, हमारी बातों का वजन पड़े सामने पे। वजन पड़े मतलब ये नहीं अपना वॉइस ही ऊंचा कर दो भाई, ऐसा नहीं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर रखो। नेक्स्ट है हमारा हाईली ऑप्टिमिस्टिक। अभी जो हमारे एंटरप्रेनर होते हैं वो बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? मतलब कि वो हर एक चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। अगर कल को वो क्या कर रहा है, लॉस फेस कर रहा है, कल को वो लॉस फेस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव सोचेगा। उसको नेगेटिव पे मतलब अगर उसको लॉस फेस करने पे भी उसको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ही शुड बी थिंक वेरी पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? वो सोच रहा है अभी यार कि सामने वाले का बहुत मार्केट अच्छा चल रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा, चलो बिजनेस बंद कर देते, दूसरा स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना है। इसीलिए जो हमारे एंटरप्रेनर होते हैं वो बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर एक चीज के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखा। अब वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है, इतना रिस्क क्यों फेस कर रहा है, भाई पैसे कमाना है ना, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखा। बट सो हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या बोलता है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो रिस्क बेयर करते हैं, बट जितना रिस्क को बेयर कर सके उतना ही रिस्क करो। एकदम नहीं कि एकदम चौड़ में आके आपने बोल दिया मैं तो सब रिस्क बेयर कर सकता हूँ, बट बाद में आपकी लग जानी है। इसीलिए यू शुड बी, आपका क्या होना चाहिए, आपका रिस्क आप जितना रिस्क फेस कर सकते हो उतना रिस्क फेस करो। और एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी क्या करता है, ही इज कैपेबल टू फेस द रिस्क। उसके बाद लास्ट हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के कैरेक्टरिस्टिक का। तो क्या बोलता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये पॉइंट हमें बोलता है कि एंटरप्रेनर को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। जब तक उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट करेगा। सो उसको अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स, उसको हर्डल्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि वो उस चीज को फेस नहीं कर पा रहा था, वो निराश हो जाएगा, अपने आप को बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो हर एक चीज को क्या कर सके, फेस कर सके। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमने देखा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड द लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हमारा स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कौन सा टॉपिक है, क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। किसके लिए सक्सेसफुल? भाई आपको भी आगे जाके अगर सबको तो जिसको भी बिजनेस मैन बनना है अभी थोड़ा ध्यान दो आपको क्या क्वालिटीज चाहिए। सो पहला क्वालिटीज क्या बोलता है हमें, डिसिप्लिन। आपने आपका बिजनेस चालू कर दिया, आप अपने बिजनेस में कभी भी आ रहे, कभी भी जा रहे हो, जब मन करा छुट्टी कर रहे हो, जब मन करा ऑफिस आ रहे हो, ऐसा चलेगा? ये कोई तरीका बिजनेस चालू करने का? ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, ऐसे नहीं चलता बिजनेस। यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस में अलग होनी चाहिए, आपको दोनों को मैच नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं लाना चाहिए। तो आपको बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो वी शुड बी वेरी डिसिप्लिन। आपको अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, आपको जो काम की टाइमिंग हो उस काम को उस टाइम पे कंप्लीट करो। अपने नहीं आपने आपका जो टास्क है आप उसको बहुत टाइम बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं होना कि आपका जो भी काम उसको प्रॉपर टाइम पे करो, ऑर्डरली करो और डिसिप्लिन के साथ काम करो। प्रॉपरली टाइम ऑफिस में आओ, प्रॉपरली जाओ। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको पहले आना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए। उसके बाद है सेकेंड वन इज हमारा कॉन्फिडेंस। हमने ऑलरेडी लास्ट किस में देखा, कैरेक्टरिस्टिक में देखा, जिसको हम फीचर और नेचर भी बोलेंगे। सो कॉन्फिडेंस क्या था कि जिस तरह से अभी एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसको खुद पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, ऐसे फूल तोड़ते ना हम, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करना है, उनको खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए, उनको खुद पे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है और चीज़ों को फेस कर सकता है। शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वन ओपन माइंडेड मतलब ये जितने भी लोग हैं अगर उसको वो इंसान बोलता है, मतलब बहुत लोग उस एंटरप्रेनर को बहुत कुछ बोल रहे हैं इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, तो वो सबका सुनेगा, बट सबका सुनेगा करेगा अपना, सुनेगा सबका बट करेगा अपना। तो यही है, वो सबका सुनेगा और जहाँ पे लगता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए वो उस चीज को ग्रैब भी करेगा, उस अपॉर्चुनिटीज को लेगा भी। तो ये ओपन माइंडेड होता है। सेल्फ स्टार्टर, अभी आप एंटरप्रेनर हो, आपको ही सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई आपको आके बताएगा नहीं कि चल भाई आपको चालू हो जाए, तेरा ये काम है, तुझे ये करना है, मैंने तुझे बता दिया, ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेनर इज द ओनली पर्सन हु इज सेल्फ स्टार्टर। कोई आके उसको नहीं मोटिवेट करने वाला, कोई आके उसको हेल्प नहीं करने वाला, ही इज द ओनली पर्सन जो सब कुछ खुद से करेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव वो मार्केट में आया किस लिए भाई, ऐसे एवे आ गया? एवे नहीं आया है, इसीलिए आया है क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन दे सकते हैं अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, इसलिए वो मार्केट में आया है। तो ऐसी बहुत मार्केट में इतनी कंपनीज ऐसी नहीं आ गई है, क्योंकि वो इसीलिए आई है क्योंकि वो एक दूसरे को कम्पीट कर सकती है। एन एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सक्सेस। उसके बिजनेस में क्या है, उसका बिजनेस किस तरह से चलो, उसके बिजनेस की क्या ट्रैक मतलब क्या रिकॉर्ड्स उसको ट्रैक रखना चाहिए, सब आइडिया होना चाहिए कि उसका बिजनेस में क्या, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, मार्केट में कौन आगे है कौन पीछे है, मेरे प्रोडक्ट कैसे हैं, मेरे प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, ये सब रखना चाहिए और कॉम्पिटिशन हमें देना चाहिए। उसके बाद है क्रिएटिविटी। अभी आपको क्रिएटिविटी तो लाना पड़ेगा ना, क्रिएटिविटी नहीं आओगे वही सेम चीज कितने बार बेचोगे भाई, कोई नहीं लेने वाला, हम भी नहीं तुम भी नहीं। सो और कस्टमर्स तो उनके डिमांड्स उनके वांट्स कभी खत्म नहीं होते, उनको नई चीजें बहुत पसंद है। सो जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस लाओ, पैकेजिंग्स में, प्राइस में, थोड़े बहुत क्वालिटीज में कुछ कॉम्बिनेशंस लाओ, ऐसे लेके आओ। सो यू शुड बी वेरी क्रिएटिविटी। उसके बाद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहता है कि इधर पे कॉम्पिटिटर ना किसी से डरता नहीं है कि मैं नहीं डरूंगा भाई, मैं आया हूँ तुम्हें कम्पीट करूंगा तुमको और इधर पे अपना एक नाम बनाऊंगा। तो इधर पे क्या होता है कि उसको पता है कि उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो ही किसी से डरेगा नहीं, वो सबको कम्पीट करेगा और वो कंटिन्यूस मेहनत करेगा ताकि वो सक्सेस को अचीव कर सके। उसके बाद है हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, जो हमने ऑलरेडी किसमें देखा था, लास्ट कम्युनिकेशन स्किल देखा था हमने, इसमें किसमें देखा था हमने कैरेक्टरिस्टिक में। तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है कि अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है आप उसको क्या करें, स्ट्रॉन्ग रखो। इससे क्या होता है कि आप सामने वाली पार्टीज आपको अप्रोच करती है अपने बिजनेस के लिए, आपके बारे में सोचेगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगी और कम्युनिकेशन स्किल से आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो एंटरप्रेन्योर हैज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल द प्रोडक्ट एंड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं knows how to motivate his employees so the business grow overall. He is very good at highlight the benefits of any situation and coaching others to their success. उसके बाद है strong work ethic. Strong work ethic मतलब क्या है, मतलब खुद गलत तो कर रहे हो पर सामने वाला सही करे, आपको ये चाहते हो, ये नहीं आप ऑफिस में लेट आ रहे हो और ऑफिस से जल्दी जा रहे हो, बट आप चाहते हो आपका एम्प्लॉय आपके पहले है और आपके बाद जाए, ऐसा होता नहीं। आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेनर हो, तो आप ही पहले आओगे, आप ही सबसे बाद में जाओगे। आप अपने फेवरेटिज्म से आप किसी को ज्यादा पे करोगे, किसी को कम पे करोगे, कम पे करोगे नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो यू शुड बी वेरी फर्स्ट, आपको पहला आना चाहिए और लास्ट में जाना चाहिए, आपको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से पे करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज पैशनेट। आपको आपके काम में बहुत जी जान लगाना है, यू शुड बी वेरी पैशनेट। बहुत आपको अपने काम से लगाव होना चाहिए कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, बट उस काम को इतने अच्छे से करो कि सामने वाला उस चीज को अप्रिशिएट करे, कस्टमर्स उस चीज के लिए डिमांड करे। यू शुड बी वेरी पैशनेट आपके काम के लिए। तो ये कुछ क्वालिटीज थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टेक्स्ट बुक में तो पता ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेनर। क्या फंक्शन है? फर्स्ट वन है इनोवेशन, क्रिएटिविटी लास्ट में देखा। अभी इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया करो अपने प्रोडक्ट में, कुछ नया। क्या नया करेंगे भाई, वही तो नया आपको सोचना है, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कुछ नया करो। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करते हो, किस तरह से एडवर्टाइज करते हो, किस तरह से कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, क्या कॉम्बिनेशन लाते हो अपने प्रोजेक्ट में, ये आपको देखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कोई आपको कस्टमर्स के प्रेफरेंस, उनके टेस्ट, उनके हिसाब, उनके लाइक डिसलाइक्स के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंटरप्रेन्योर को उनके ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल्स के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका गोल क्या है। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। आप मार्केट में क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का नाम लाने के लिए। आपका प्रोडक्ट का क्या, आपके प्रोडक्ट का इमेज, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज होना चाहिए, आप क्या स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, आपको वो देखना है। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी। अभी हमने ऑलरेडी देखा कि टेक्निकल नॉलेज है, आपके जो बिजनेस में जो भी मशीन यूज हो रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए नॉलेज के बारे में। तो जो भी अभी आज की दुनिया में तो इतने छोटे छोटे चीजों के लिए टेक्नोलॉजीज आ रही है तो हम तो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी चीजों के लिए आई होगी, तो यू शुड बी वेरी कि आपको आइडिया हो कि न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता हो कि इसको कैसे करना है, किस तरीके से यूज करना है, ताकि आप अपने एम्प्लॉय को भी क्या कर सको, ट्रेन कर सको। गुड रिलेशन आपको, जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो गुड रिलेशन भी वही है कि हम लोगों से अच्छे से व्यवहार रखें, हमारा जो लोगों के साथ डील करना है इट शुड बी बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमारे जो सप्लायर्स, हमारे डीलर, हमारे कस्टमर्स, हम उनसे अच्छे से बात करते हैं। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, वो सामने वाला इंसान जो बायर होता है, अगर हम अच्छे से हमें अच्छे से ट्रीट करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो हमारे साथ रिलेशन अच्छा लगता है, हमें कभी कभी डिस्काउंट दे देता है, फ्री डिलीवरी भी दे देता है, तो हम तो उसी के पास जाएंगे ना। सो अगर गुड रिलेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है ना, तो उसी बिजनेस को क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फंड, जैसे हमने देखा ना कि गुड रिलेशन होता है, अगर आपका गुड रिलेशन अच्छा है ना, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो अगर आपका गुड रिलेशन लोगों के साथ अच्छा है तो यू कैन वैसा आप उससे अरेंज कर सकते हो आपके इन्वेस्टर्स के साथ। अगर आपका अगर आपका रिलेशन इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा है तो आप अपने फंड्स को अरेंज कर सकते हो अभी, क्योंकि बहुत फंड्स की जरूरत पड़ती है बिजनेस में। अगर आपको कहीं से लोन के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको फंड्स ऑर्गेनाइज करना है तो आप इन्वेस्टर से ले सकते हो, अगर आपकी रिलेशन अच्छी होती है। एंड द लास्ट वन, टेकिंग डिसीजंस। इन जो हमारे एंटरप्रेनर होते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, मतलब बहुत सही होने चाहिए, पर इतना लंबा डिसीजन नहीं लेना कि जो सामने वाली अपॉर्चुनिटी वो चली जाए, क्योंकि कभी कभी इतने टाइम तक डिसीजन लेते हैं ना, सामने वाली अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। कल को एक पार्टी हमारे पास, फॉर एन एग्जाम्पल की दो पार्टीज है, एक पार्टीज ने कुछ एक ऑफर लेके आई सामने वाली पार्टी पे, बट वो सोचते रहे। अब वो इतना सोच रहा है कि सामने वाली पार्टी अपनी ऑफर को लेकर चली गई और किसी और को दे दी। सो इतना भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे से छीन ली जाए। सो यू शुड बी वेरी कि आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजंस लेने हैं और प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो हमने देखा एंटरप्रेन्योर के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमारा जो टॉप चैप्टर का नाम है वही है ये कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हो, अपने मार्केट में अपना बिजनेस का नाम कैसे ला सकते हो, हम वो देखते हैं। मीनिंग क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जहां पे इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं, एक बिजनेस चालू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्शंस अच्छे, अपने किससे प्रॉफिट बढ़ता है? प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन से। आपके अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपकी सर्विसेज अच्छी है, तो उससे क्या होगा? आपका बिजनेस का नाम होगा। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is a process of setting up new business. क्या है? कौन सा प्रोसेस है? नया बिजनेस स्टार्ट करना। ये ऐसा प्रोसेस जहाँ पर वन डिसाइड टू बिल्ड अ बिजनेस करियर, जहाँ पर वो अपना बिजनेस करियर क्या करता है? बिल्ड करता है बाय फाइंडिंग द मार्केट, ऑपरेशंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। कि मार्केट में क्या जरूरत है, मार्केट में क्या डिमांड हो रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना बिजनेस चालू करेंगे और अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या कहता है? अभी आपको इनोवेशन होना मतलब आपको चीजें अच्छी लानी पड़ेगी, नई लानी पड़ेगी, कुछ कॉम्बिनेशन लाने पड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, उस प्रोडक्ट को खरीदे। अब उसको जब खरीदना है तो कस्टमर क्या सोचेगा? नॉर्मल से प्रोडक्ट वही ये भी बेच रहा है, वही वो भी बेच रहा है, तो वो आपसे क्यों खरीदे? वो तो उससे भी ले सकता है ना, आपके पास आया क्यों है? तो आपके प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी वेरी इनोवेटिव, कुछ नया होना चाहिए उसमें कि सामने वाला सोचे कि वो ले, ये सोचे भी नहीं कि वो उसने बोला कि वाह ये तो नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें, तो हम ले सकते हैं। इनोवेशन। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इधर पे क्या होता है? हम कस्टमर्स को गुड सप्लाई करते हैं। कैसे सप्लाई करते हैं? बेच के सप्लाई करते हैं, वो तो पता है कि बेच के सप्लाई करते हैं, पर कैसे? उनके प्रेफरेंस, उनके टेस्ट, उनके लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर बेचते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी था। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी मतलब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमें उसको अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि हमें कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, कितना टाइम हमें लगेगा, क्या फॉर्म करना है, ये सब हमें देखना है। तो ये सब हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो इट हैज टू बी कंसीडर टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ ऑफ न्यू प्रोडक्शन। किसी चीज को नया प्रोडक्शन, किसी चीज को नया बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या जरूरत है, क्या नहीं है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, किस चीज की जरूरत है, तो ये देखना पड़ता है। इट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट होने क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी। अब ये क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब कि इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पर हमें कुछ क्रिएटिविटी लेके आना है प्रोडक्ट में, कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, जो हमारे बिजनेस है, वो अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या ऐसी क्रिएटिविटी लेके आ रही है कि जो सामने वाला उस चीज को देखे और अट्रैक्ट हो, उस चीज को परचेस करे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो उसमें क्या कर सकता है वो, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कुछ नया लाओ नया लाओ, बट बंदा नया लाए तो क्या लाए, तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट होने मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। अभी अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो आपको सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा तो हम कमा ही रहे, बट ये नहीं कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते जाओ। आप ऐसे क्या नया कर सकते हो, आप ऐसे क्या, मतलब जी जान से करना चाहिए। आपको जो काम करें ना, बहुत दिल से करो, बहुत लगाव से करो, उस चीज को बहुत अच्छे से करो कि उसमें आप ऐसे करो कि आपके लिए है, क्योंकि कस्टमर्स तो ऑब्वियस है ना, आज तो कस्टमर्स मार्केट का किंग कहलाता है। तो आप अपने काम को इस तरीके, इस पैशनेट से करो कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल पाने के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं होता है। अपने काम को बहुत जी जान से, बहुत लगाव से, बहुत दिल से करना चाहिए कि हम उस चीज को, सामने वाला उस चीज को अप्रिशिएट करे, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के लिए क्या करे, उस प्रोडक्ट के लिए हाँ बोले कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। सो एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए उसको, एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर उसकी लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है, अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, अच्छे से मैनेज कर सकता है चीजों को। ये बहुत जरूरी चीज होती है एक एंटरप्रेन्योर में। अगर ये है तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, चला सकता है। नेक्स्ट वन है स्किलफुल मैनेजमेंट। अभी किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी सक्सेस रहता है वो किस पर डिपेंड रहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैनेज कर रही है। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट, सक्सेस डेवलपमेंट जो बोलते हैं हम, वो किस पर डिपेंड रहता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से मैनेज कर रहा है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे है, उधर एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, उधर प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, उधर प्रोडक्ट सबको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये किस तरह से जो मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, एक स्किलफुल मैनेजमेंट अच्छा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का। एंड द लास्ट सेकेंड वन हमारा रिस्क बेयरिंग। हम ऑलरेडी देखा रिस्क बेयरिंग, तो अभी जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, ये रिस्क उधर आएगा ही, पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी मतलब कभी नहीं। ये दोनों एकदम गम से जुड़े हुए होते हैं ना, अगर आपने किसी चीज को एकदम गूल से चिपका दिया है तो वो चिपक जाएंगे, वैसे ये एक दूसरे से चिपके हुए कि अगर बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस नहीं तो रिस्क नहीं। सो रिस्क बेयरिंग है कि जो कभी भी ना अचानक से रिस्क आ सकता है। रिस्क हमें पता के नहीं आता, हाय मैं आ रहा हूँ तू तैयार रहे, ऐसा नहीं होता है ना। रिस्क कभी भी आता है, उस रिस्क को फेस करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम उसको फेस करना चाहिए, ऑलरेडी हमें सोच कर रखना चाहिए कि ये हो सकता है, तो हम उस चीज के लिए तैयार रहे। यू शुड बी वेरी प्रिपेयर अबाउट सच थिंग्स। उसके बाद लास्ट वन गैप फिलिंग फंक्शंस। गैप फिलिंग फंक्शन मतलब कि ये एक ऐसा फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का, गैप फिलिंग, कि अगर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इट इज द एंटरप्रेन्योर जॉब। एंटरप्रेन्योर का काम है कि जहां पर डेफिशिएंसीज, जहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, वहां पे वो उस चीज को कवर अप करे, उस चीज को देखे कि किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। इट इज द एंटरप्रेन्योर जॉब टू फिल द गैप्स और मेक अप द डेफिशिएंसीज व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन के रिलेटेड यहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफरेंसेस, डेविएशंस आ रहे हैं, तो क्या करेक्टिव मेजर्स लेके आप उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। इनोवेशन था, इनोवेटिव होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम कस्टमर के हिसाब से अपने सामान को बनाते हैं और लो भाई कस्टमर्स ले लो, आपके हिसाब से बनाए। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, आपको कुछ बनाना है तो आपको प्रॉपरली सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्रिएटिव एक्टिविटी, आपको अपने चीज में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लाना है, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, ये जो दो चीजें होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। उसके बाद स्किल मैनेजमेंट, स्किलफुल मैनेजमेंट। आप अपने बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब आप अपने बिजनेस को अच्छे से क्या करते हो, मैनेज करते हो। रिस्क बेयरिंग तो जहां पर बिजनेस है वहां तो रिस्क है ही भाई, कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। एंड लास्ट वन इज गैप फिलिंग फंक्शन, जहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसीज है, डिफरेंसेस आ रहे, तो वो क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, कवर अप करेगा करेक्टिव मेजर्स लेके। अब हमारा कुछ प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेके, क्या प्रोसेस है देखते हैं। फर्स्ट वन है ट्रेनिंग एंड द सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी ट्रेनिंग है, पहले क्या होता है मतलब लोगों का कहना है कि जैसे कि हम बोलते हैं कोई सिंगर होता है तो हाँ उसकी फैमिली में कोई सिंगर है तो इसलिए वो सिंगिंग है, कोई डांसर है तो उसके फैमिली में कोई डांसर है तो डांसिंग है। उसी तरह से इसमें पहले क्या था कि जो बिजनेसमैन है, जो पहले से जिसके घर में जिसके खानदान में जो पहले से बिजनेस चलाता आ रहा होगा वही बिजनेसमैन बन सकता है और कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बट आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब ट्रेनिंग से ही बने गए, उनको ट्रेनिंग दी गई है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे गए हैं किस तरह से बिजनेस को हैंडल करना है, क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, ये चीज है, ये सब ट्रेनिंग से की गई है। पहले क्या था, पहले तो लगता था कि जैसे जो बिजनेसमैन का बेटा है वही क्या करेगा बिजनेस चलाएगा, बट नहीं, आजकल के जो बिजनेसमैन है, आजकल के जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है बहुत ट्रेनिंग से ही बने गए, जो आज बहुत जिनको डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग दी गई है वो। तो देखते हैं द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट हैज बीन थिंकिंग दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न and not made, whereas the modern observations mention that some entrepreneurs may be born but a large number of them can be made by education and training. Hence today there is a need of training to produce eligible future entrepreneurs. Training is a scheme of instructions which is planned. Training क्या है, instruction है, scheme है instructions का, जहाँ पर plan किया जाता है, systematic है, consistent है, persuasive है and monitored to measure its effectiveness. It is the integral part of managerial development. मैनेजमेंट डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट बेस नेसेसरी स्किल्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो जिनको सीखना रहता है उनके स्किल्स को क्या करता है बिल्डअप करता है, उनके स्किल्स को क्या करता है एक्सप्लोर करता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किस चीज के लिए कैपेबल है कि नहीं है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शंस, मेथड्स, कंज्यूमर्स एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हैज हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, टीम स्पिरिट, स्टैंडर्डाइजेशन, रिड्यूस फटीग, minimizes the industrial accidents, etc. Some methods of training are lecture method, demonstration method, individual instructions, group instructions, meetings, conference, seminars, etc. अब ये जो मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के वो कैसे कैसे होते हैं, लेक्चर वाले होते हैं, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेट कि हम किस तरह से उस चीज को यूज करें, इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ग्रुप को भी दिया जाता है, मीटिंग रखा जाता है, कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, सेमिनार्स रखे जाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेनिंग के। यहाँ पर उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजीज को किस तरह से यूज करना है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कंज्यूमर का क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, किसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर को ही रखना है। फिर उसके बाद टीम स्पिरिट आना चाहिए, बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, बिजनेस में क्या जरूरत है क्या नहीं है, ये सब ये कैसे होता है, सब ट्रेनिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योरियल मोटिव एंड इन एक्वायरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल एफिशिएंटली। यहाँ पर किसी मतलब उस इंसान के जो भी उसके स्किल्स नॉलेज, उसके स्किल्स नॉलेज को स्ट्रेंथ किया जाता है अच्छे से और एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है कि जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो जरूरत रहती है उस तरह से उनको तैयार किया जाता है। ADP was first is introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation. ये कहाँ पे हुआ था, पहला जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये फर्स्ट हुआ था गुजरात में, हुआ था 1917 को, जिसको किसने स्पॉन्सर किया था, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने। The EDPs are based on MC Callan's experiments in Kakinada district of Andhra Pradesh where businessmen were provided with motivation and training. यहाँ पर मोटिवेशन, यहाँ पर अलग अलग बिजनेसमैन आते थे, उनको मोटिवेट करते थे, ट्रेनिंग करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब उनको सब दिखाया जाता था, बताया जाता था कि हमें किस तरह से आपको एक एंटरप्रेनर बनना है, सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनना है, आपके बिजनेस को किस तरह से टॉप पे लेके जाना, ये सब ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू किया जाता था। अभी जो कुछ इसमें फॉलोइंग स्टेप्स है, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करना, पोटेंशियल एंटरप्रेनर को सिलेक्ट करना, एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, ये कुछ स्टेप्स है उसके EDP के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्यों कर रहे हैं कि तो फोस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री, इन कंट्री में अच्छा ये क्या एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ बढ़े, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अभी ये तो बहुत है कि आप जब बनते हो आपके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करो, ये नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज, बिजनेसमैन है तो पैसे बहुत है तो आप रिसोर्सेज ऐसी यूज करोगे, रिसोर्सेज को वेस्टेज करोगे, वेस्टेज करते जाओगे, यू अगर नहीं हो रहा तो वेस्टेज करते जाओ, फिर यूज लेते जाओ, ऐसा नहीं होता है। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना ये बहुत बहुत अहम पार्ट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस को चलाने का। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमारे कुछ EDPs और हम लोग स्टेप देख लिए। अब हमारे कुछ इनिशिएटिव्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हम लोग क्या इनिशिएटिव्स है वो कुछ इनिशिएटिव्स लेके आए थे हमारे गवर्नमेंट ने कि हम अभी किसी को एंटरप्रेन्योरशिप, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिजनेस चलाना है, तो उसमें पहला है हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म। तो पहले हम देखते हैं स्टार्टअप इंडिया क्या है। Meaning, a startup India is a startup is defined as an entity having its headquarters in India, which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than ₹100 crores. Under this initiative, the government has already launched the iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startups. One of the objectives of the Indian government is to make India a notion of job creators instead of job seekers. The government wants to encourage entrepreneurship and to promote innovations. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. Startup मतलब कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो 10 साल पहले ही खुला था, which was opened less than, मतलब 10 साल पहले ही खुला, ऐसे 10 साल हो गया उसको। उसके बाद जिसका टर्नओवर कितना है, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से। इसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक आईमेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी क्या किया है कि उनको 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप बनाना है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनका इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक जॉब क्रिएटर, हमें इंडिया में जॉब क्रिएटर करना है, मतलब जॉब के लिए, सब जॉब्स के लिए हो। द गवर्नमेंट वांट टू एनकरेज एंड एंटरप्रेन्योर, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, एनकरेज करना है, इनोवेशन को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडअप, कुछ और भी इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान दैट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एरियाज: Simplifications and handholding, funding support, incentives, industries, academy, partnership and innovation। यहाँ पे क्या है कि अपने बिजनेस को आप इजीली खोल सको, आपको फंड्स अच्छे से मिल सके, अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना है, तो ये सब कुछ स्टार्टअप प्लान से जो गवर्नमेंट ने किए थे, जिससे आप अपने बिजनेस को इजीली क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके कि 100 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, स्टार्टअप फंडिंग पूल की तरह का हमारा 100 करोड़। उसके बाद हमारे जो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस था उसमें रिडक्शंस रहेगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इनवॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन द इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। उसके बाद है हमारा स्टैंड अप इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन ₹10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट और 1 शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक। इधर पे कि उनको बैंक लोन्स दिए जाते थे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, चाहे वो किसी एक शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, या तो किसी इवन वुमेन को। दिस एंटरप्राइज मे बी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और द ट्रेनिंग सेक्टर। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर्स बी हेल्ड बाई द आइदर एंड SC और ST वुमेन एंटरप्राइजर। यहाँ पे उनको हेल्प किया जाता था, उनको फंड्स दिए जाते थे कि वो अपने बिजनेस के लिए क्या कर सके, उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो। इसमें कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी, जहां पर इसमें जो वुमेन है वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर वो 18 साल के ऊपर है। यहाँ पे उनको लोन्स दिए जाते थे। उसके बाद नेचर ऑफ लोन, यहाँ पे 10 लाख से लेके 1 लाख तक क्या था, लोन दिया जाता था। पर्पस ऑफ लोन क्या था इनका, पर्पस ऑफ लोन ये था कि अगर वो नया एंटरप्राइज, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनको उस चीज के लिए लोन दिया जाएगा। साइज ऑफ लोन क्या था कि 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, उनके इंटरेस्ट रेट कैसे थे, थोड़े कम उनको दिए जाएंगे। सिक्योरिटी थी कि बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन मे बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स डिसाइडेड बाय द बैंक। उनको जो भी उनके लोन्स के लिए सिक्योरिटी थी वो प्रोवाइड की। रिपेमेंट है कि अगर उनके लोन को रिपेबल कर सकते हैं 7 साल में। वर्किंग कैपिटल एंड द लास्ट वन इज मार्जिन मनी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है एग्रो टूरिज्म, इसमें का रिसेंट इनिशिएटिव्स में। एग्रो टूरिज्म मतलब कैसे कि बहुत लोग है ना अर्बन एरियाज में जाके जो गांव एक्चुअल होता है उधर पे सब भूल गए, तो इधर पे यही है कि इन इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड वर्ल्ड मेनी पीपल हैव लॉस्ट टच विद द हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड एंड और द रिलीजन वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल पर्सूट्स। डेफिनेशन क्या है? एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स को रूरल एरियाज में लेके आना है, ताकि वो ट्रैवल और स्पेंडिंग यहाँ पे क्या कर सके, उस चीज को और अच्छे से देखे, उस चीज को और समझे क्या होता है क्या नहीं होता। ये कमर्शियल एंटरप्राइज है एट अ वर्किंग फार्म, ranch और एग्रीकल्चर प्लांट कंडक्टेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट्स सप्लीमेंट इनकम फॉर द ओनर। एक्टिविटीज क्या है इसमें कि आउटडोर रिक्रिएशन करेंगे, आउटडोर रिक्रिएशन में जैसे कि फिशिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, हंटिंग हो गया, देन एजुकेशनल एक्सपीरियंस दिया जाएंगे, फार्मिंग एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे कि हम उनको लेके जाते हैं एग्रीकल्चर विजिट्स के लिए, फार्म्स के बारे क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, एंटरटेनमेंट रहेगा, हमारा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज रहेगा। तो ये कुछ एग्रो टूरिज्म थे। एंड द लास्ट वन इज इंट्राप्रेनर्स। एंटरप्रेनर और इंट्राप्रेनर्स होते हैं, इंट्रा मतलब इंट्राप्रेनर्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं। Entrepreneur is an employee who has authority and support of his company employer to implement his own innovative and creativity ideas. इधर पे क्या होता है कि entrepreneur अपना पैसा लगाता है, इधर पे वो entrepreneur क्या करता है, वो सिर्फ innovative, उधर पे वो बिजनेस में अपने बिजनेस के लिए किस तरह से इनोवेटिव कर सकता है, अपने बिजनेस में और क्या अच्छा कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, ये entrepreneur होता है। His idea or product may or may not earn immediate revenue for the company, still the employee keep receiving his salary. So the main difference between an entrepreneur and entrepreneur is that the latter takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital for his from his pocket. Kinetic India, Tata Motors, Infosys Technologies, etc. are some of the such companies who encourage entrepreneurship. Definitions हमें क्या बोलता है कि according to default pin code, entrepreneurs are the dreamers, वो dreamers होते हैं, सोचते हैं, innovations करते हैं, who take hands on the responsibility for creating innovations of any kind within a business. अपने बिजनेस के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या responsibilities ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो खुद कैसे इंटरप्रेनर बन सकते हैं, ये होता है इंटरप्रेनर्स। तो हमारे पूरा चैप्टर आज हमने इधर ही ऑलरेडी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर देना। Thank you so much.